Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 2.5, that is autumn. Students, in this video we are going to see only question answer this chapter. Explanation अभी start नहीं किया English का, तो अगर आपको चाहिए कोई भी chapter तो आप मुझे comment बताइए, मिल जाएगा आपको. तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं autumn, ये poem है, ठीक है. तो ज़्यादा question answer तो इसमें नहीं होगा. समर यहाँ पे क्योंकि आपको वार्मिंग अप जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा गया है, कई सारे क्वेश्चंस है, तो देख सकते हो. पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पूछा गया है, कौन कौन से चेंजेस आप देखते हो नेचर में, सीजन में, अलग अलग जो सीज़न आते हैं, सेंटेंसेस बना के आपको लिखना है. तो यहाँ पे देख सकते हो समर में क्या क्या देखने को मिलता है, कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं समर सीज़न में. हाँ, सन शाइन होता है ब्राइट देन बिफोर, मेनी ट्रीज़ ब्लॉसम्स, कई सारे ट्रीज़ में फूल आ जाते हैं, मतलब फ्लावर्स आ जाते हैं. ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीजेस, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है हवा में. विंटर में क्या होता है, वी सी फॉग इन द मॉर्निंग विंटर में, यस, धुंधला दिखता है ना, कोहरा. नाइट बिकम लॉन्गर, रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं. दे आर मे समटाइम्स बी हेल और स्नो इन सम प्लेसेस, कहीं कहीं पे हेल और स्नोज गिरने लगते हैं. ह्यूमिडिटी लेवल्स इन द एयर डिक्रीजेस, तो ह्यूमिडिटी घट जाती है, कम हो जाती है. मानसून यानी बारिश में क्या होती है, नए स्प्राउट्स उगते हैं, जो पत्तियां होती हैं नई नई आती हैं. देर आर सडन शावर्स एंड हेल स्टॉम यानी बर्फबारी होती है. देर इज़ द फ्रेश स्मेल ऑफ वेट अर्थ, तो फ्रेश स्मेल आती है अर्थ की, गीली अर्थ की यानी खुशबू आती है. देन द सिक्स सीजन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, शरद ऋतु इज इक्वल टू ऑटम. ये शरद ऋतु ही क्या है, ऑटम है, जो आपके लेसन का नाम है. व्हाट चेंजेस डू वी सी इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स व्हेन द सीजन चेंजेस, जब सीजन चेंजेस होते हैं तो ह्यूमन लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं, आपको लिखना है उस क्लोथ्स के बारे में, डाइट के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में. तो क्लोथ्स में देखो, समर में तो हम क्या पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, ठीक है. आपको सेंटेंस बना के लिखना है, बना सकते हो आप, दैट वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन एंड लूज गारमेंट्स, ओके. हेड प्रोटेक्शन लाइक कैप्स, ठीक है, धूप में निकलते हैं तो टर्बन्स, पगड़ी, ओपन शूज ताकि गर्मी ना लगे, गॉगल्स ताकि आँखें हमारी प्रोटेक्टेड रहें, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स ताकि धूप ना लगे, ब्लाउज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेज ऑफ सन एक्सेट्रा. विंटर में ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं. मानसून में ये सारी चीज़ें हैं. डाइट में यहाँ पे देखो दिया गया है, आप लिख सकते हो डाइट में. समर में देखो ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड चीज़ें लेते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस लेते हैं, लेस स्पाइस, मसाले कम लेते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती है, लेस ऑयल लेते हैं, स्पाइस भी कम लेते हैं और लाइट डाइट, खाना भी कम खाते हैं. विंटर में क्या होता है, ज़्यादा तेल, हैवी फूड, गर्म गर्म खाना, ठीक है, हॉट फूड जिसमें स्पाइस भी ज़्यादा रहो, स्पेशल टाइप ऑफ फूड विच प्रोवाइड वार्मथ एटसेट्रा, जिसमें गर्मी हो ऐसा खाना हम प्रेफर करते हैं. मानसून में क्या होता है, ओनली कुक्ड फूड, बॉइल्ड वाटर, लेस मींस ओनली कुक्ड फूड, पका हुआ खाना खाते हैं, बॉइल्ड वाटर पीते हैं, क्यों, क्योंकि पता है कि उस टाइम पे पानी पोल्यूटेड रहता है. लिक्विड चीज़ें कम पीते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं, दैट विल गिव इंटरनल वार्म, जो अंदर से वार्म प्रोवाइड करे. सेलिब्रेशन तो गर्मी देख सकते हो, इंटू फेस्टिवल लाइक होली, गुड़ी पड़वा, हॉलीडेज, ये सारे आप देख सकते हो. विंटर में क्या क्या फेस्टिवल है वो है, मानसून में क्या क्या फेस्टिवल वो है. मैं यहाँ पे बहुत ही स्लोली स्लाइड कर रही हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके अपना वर्कबुक कंप्लीट कर सको. जैसे जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं वही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, तो वो आपके लिए मिलते जाएगा, ठीक है. पर्सोनिफाइड किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस और उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आपको आंसर लिखना है. जैसे देखो द वेरी वर्स वॉज ऑल्सो पेट्रोल हंग्री, तो ये किसको बोला, पेट्रोल किस में लगता है, ऑब्वियसली कार में लगता है, तो कार को क्या बोला गया कि पेट्रोल का भूखा है, तो कार है, तो पर्सोनिफाइड किया गया. अब कार तो भूखा हो नहीं सकता, तो इसे पर्सोनिफाई किया गया, ये फिगर ऑफ स्पीच है आपका. द प्लेफुल विंड विसल्ड अमंग द ट्रीज, तो विंड, ठीक है, तो विसल, अब सीटी तो नहीं बजाती वो, ससराहट तो नहीं करती वो, तो इसे पर्सोनिफाई किया गया किसे, हवा को. तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, सारा मैंने एग्जांपल बता दिया, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो. ये पेज हो गया, अभी हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. पैराफ्रेज दिया गया है यहाँ पे, तो अगर आपको पोएम नहीं समझा अच्छे से तो ये देख लोगे तो आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है. मैं नहीं समझा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, ओके, और कोई रीज़न नहीं है, ये इसका आंसर है. पोएम बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छी पोएम है,
ठीक है, कालिदास ने लिखा है, उसे ट्रांसलेट किया है, किया गया है। पोएम का यहाँ पे पैसेज देख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखिए जो ये पैराफ्रेज दिया गया, जो पैसेज दिया गया था उससे रिलेटेड यहाँ पे टफ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, मल्टीट्यूडिनस का मतलब होता है वेरी न्यूमरस यानी काउंटलेस, अनकाउंटेबल इतना ज़्यादा, बार्स मतलब पैचेस, बीविचिंग यानी इंचैंटिंग, ठीक है, किसी चीज़ का इंचैंट करना, जपना जैसे, स्लेंडर यानी स्लिम होता है, नॉडिंग मतलब स्वे करना ऐसे झुलना जैसे पत्तियाँ कैसे हिलती रहती हैं वो, क्लैड यानी ड्रेस्ड वहाँ पे लिखा था। देखो व्हाट इज़ द कूलिंग कूइंग ऑफ बर्ड कंपेयर टू, कूइंग ऑफ बर्ड किससे कंपेयर किया गया है, तो ये कंपेयर किया गया है टिंकलिंग सॉन्ग ऑफ ब्रेसलेट। ठीक है, हाउ डज ऑटम ड्रेस अप एट नाइट, तो देखो यहाँ पे दिया गया है वेरिंग टिंकलिंग क्राउन मेड ऑफ काउंटलेस स्टार्स, हर रोब ऑफ सिल्क इज द वाइट मून लाइट सेट फ्री फ्रॉम द क्लाउडी पैचेस। तो ये आंसर हो गया, वाई इज ऑटम कॉल्ड अ मैडन फेयर, तो आंसर देख सकते हो। ऑटम इज सेड टू बी स्लेंडर एंड ग्रेसफुल, थिंक एंड राइट योर ओन वर्ड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो। वाई इज द मैडन ऑटम सेड द वेयर राइस स्टेम्स इन हर हेयर, तो उसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो। हाउ कैन द टेंडर मैडन मैडन ऑटम बिकम अ फुल ग्रोन व्यूमन, वॉट चेंज इन नेचर डज इट इम्प्लाई, तो देखो जब यहाँ पे बोला गया जब ऑटम सीजन आता है तो स्टार्टिंग में तो कैसा होता है, ऑटम इज अ टेंडर मैडन यंग एंड ग्रेसफुल रहता है, एज द सीजन प्रोग्रेस एंड सेट इज इन प्रॉपरली शी बिकम्स अ फुल ग्रोन मैच्योर वुमन। ठीक है, वाई डू यू थिंक दैट बर्ड्स ग्रीट द ऑटम सीजन ग्लैडली, आप क्यों ऐसा सोचते हो कि जो बर्ड्स हैं वो ऑटम सीजन को खुशी से ग्रीट कर रही हैं यानी उसका वेलकम कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। शायद जो बर्ड्स हैं वो इन्जॉय करती हैं कूल ऑटम को आफ्टर हॉट समर, यस है ना, तो दे मे ऑल्सो गेट मोर ग्रेन्स एंड सीड्स टू ईट, खाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है इसलिए वो ग्रीट करती हैं, उसका स्वागत करती हैं, पसंद है उन्हें। पोएटिक डिवाइस बताना है आपको, देखो जो यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस है लाइक जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस है मैं आपको बताते जाऊँगी। फाइंड थ्री लाइन्स ईच दैट कंटेन्स इमेजेस ऑफ नेचर इन द ऑटम सीजन, इमेजेस ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग डे टाइम एट नाइट, अब आंसर यहाँ पे पहले समझेंगे ड्यूरिंग डे टाइम का, विद नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर, ये जैसे इमेजिन ही कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जो चावल की बालियाँ हैं उसके बालों में से झूल रहे हैं, नॉड कर रहे हों, एंड लिलीज इन हर फेस, और जो लिलीज हैं उसके फेस पे लगी हुई हों, फेस पे हों, इन फ्लावर्स इन ऑफ ग्रासेस शी इज़ क्लैड, और ऐसा लग रहा है कि जो फ्लावर्स हैं ग्रासेस है उसका वो कपड़ा पहन के आई है। नाइट का क्या बोला था, डाइडेन अडॉन्स द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडनस स्टार्स, तो उसने कैसे पहना हुआ है क्राउन अनकाउंटेबल स्टार्स का, उसके सिल्कन रॉब किसके बने हुए हैं, वाइट मून लाइट के बने हुए हैं, ओके सो यहाँ पे देखिए एंड ऑन हर फेस द रेडियंट मून, फेस पे क्या है रेडियंट मून, जो मून का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा लेसन है, अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेनेशन बना दूंगी इसका, ठीक है। सो जब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बता देना, बन जाएगा उस पर भी। फाइंड वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम सिमली मेटाफर, तो सिमली क्या है, बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कुइंग ग्लैड, तो बर्ड्स गा रही हैं अपने कुइंग आवाज़ में, ठीक है, कुइंग ग्लैड खुशी से गा रही हैं, ग्रीट कर रही हैं किसका, ऑटम का, लाइक अ ब्रेसलेट ट्विंकलिंग साउंड, ठीक है, तो ये क्या है लाइक यूज़ हो रहा है ना, तो लाइक अ ब्रेसलेट ट्विंकलिंग साउंड। मेटाफर क्या है, द ऑटम कम्स अ फेयर मैडम, ऑटम कैसे आ रहा है फेयर मैडम की तरह, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है डायरेक्ट उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। राइट राइम स्कीम इन द पोएम, तो ये क्या है ए बी ए बी सी, ठीक है ए बी ए बी सी डी सी डी, ऐसा है ये राइम स्कीम, आई होप कि आपको राइम स्कीम समझ में आता होगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको, देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है फेयर तो इसे ए दे दिया गया, ग्रेस नहीं मिल रहा है तो इसे बी दे दिया गया, ठीक है, तो फेयर से हेयर मैच हो रहा है तो ए दे दिया गया, और फिर यहाँ पे फेस ग्रेस से क्या फेस मैच हो रहा है तो इसे बी दिया था तो इसे भी बी दे देंगे, लेकिन ये क्लैड किसी से नहीं मिल रहा है तो सी दे देंगे, और ये अलॉन्ग किसी से नहीं मैच हो रहा है तो डी दे देंगे, लेकिन ये ग्लैड मिल रहा है सी से इससे तो इसे सी दे देंगे, और ये सॉन्ग अलॉन्ग से मैच हो रहा है तो इसे भी डी दे देंगे, तो जो डी से मैच हो रहा था उसे डी को दे दिया, ये क्लैड मैच हो रहा था ग्लैड से तो सी दे दिया गया, ठीक है, आई होप कि आपको समझा गया, तो देखो यहाँ पे
बन गया ना ए बी ए बी, ऐसे ही बना ना ए बी ए बी। ओके क्लैड किसी से नहीं मैच हो रहा, ना फेयर से, ना ग्रेस से, ना हेयर से, ना फेस से, तो इससे ये हो गया सी। अलॉन्ग भी किसी से नहीं मैच हो रहा, इससे भी नहीं मैच हो रहा है, तो इसीलिए इसे डी दे दिया गया। लेकिन ग्लैड मैच हो रहा है किससे, ये सी से, तो ये सी हो गया। और ये क्या हो गया, ये सॉन्ग क्या हो गया, ये अलॉन्ग वाला डी हो गया। ठीक है, तो बन गया ना, चलो ऐसे ये बनता है। तो क्या बताया यहाँ पे, ए बी सी डी ऐसे ही पूरा पैराग्राफ है जितने भी हैं। अब आपको क्या करना है, पॉइंट फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया गया है अप्रिसिएशन के लिए, ये आपको आना चाहिए, टेंथ में बिल्कुल ऐसे ही आता है। टाइटल क्या है पोएम का, तो आपको ये चीज़ें देगा दिए जाएंगे, टाइटल देगा, पोएट देगा, राइम स्कीम, ये सारी चीज़ें देंगी मतलब रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना रहेगा उसका अप्रिसिएशन। ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यही मिलेगा जो ब्लैक कलर में दिख, जो हाईलाइट दिख रहा है। टाइटल क्या है ऑटम, पोएट कौन है कालिदास, लेकिन जिसने उसे ट्रांसलेट किया है उसका भी नाम आएगा। राइमिंग स्कीम क्या है, राइम स्कीम आपको पता है ए बी ए बी सी डी सी डी। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलिट्रेशन है। ठीक है, जैसे अब अलिट्रेशन कैसे है, तो देखो यहाँ पे एस एस एस, ठीक है, शी सीम्स अ स्लेंडर मेट हू सून। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द साउंड द लेटर एस, तो बार बार ये क्या हुआ है, एस रिपीट हुआ है। अदर फिगर ऑफ स्पीच आर सिमिलर मेटाफर, सिमिलर मेटाफर तो है ही क्योंकि उसे बार बार कंपेयर किया गया है। सेंट्रल आइडिया क्या है, तो पोएट क्या है यहाँ पे, बहुत ही उन्होंने क्या किया है, पिक्चर्स क्वेली डिस्क्राइब, उन्होंने ऑटम सीजन को बहुत ही अच्छे से, प्यार से, बहुत ही इसे पिक्चराइज किया, बहुत ही अच्छे से उसे बताया है, और उन्होंने कंपेयर किया ऑटम को एक स्लेंडर एंड स्लिम ग्रेसफुल मैडन यानी अनमैरिड गर्ल से, जो कि उसने अपने आप को अलग अलग तरीके से सजाया हुआ है। अब पैराग्राफ फॉर्मेट में देखो अप्रिसिएशन कैसे लिखा गया है, ये रहा आपका अप्रिसिएशन। तो वही चीज़, पहले हम पोएम का नाम बताएंगे, फिर उसके राइटर का नाम बताएंगे, फिर वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो उसके बाद राइम स्कीम बताया हमने, फिर फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से आया वो बताया हमने। ठीक है, तो ये जितने भी फिगर ऑफ स्पीच आए हैं वो बता दिया, फिर ये सेंट्रल आइडिया जो हमने बाद में देखा वो सेंट्रल आइडिया आ गया। ठीक है, वो जैसा फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग ही ये आंसर था। जूम इन करते हैं ताकि आप अच्छे से देख के लिख लो, आप अच्छे से 360 480 पे रिजोल्यूशन करके देखें तो आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत बार क्या हो रहा है कि बच्चे लोग 144 240 पे देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि बहुत ब्लर है। ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि 360 480 जितना हाई रेजोल्यूशन पे आप देखोगे आपको क्लियर दिखेगा, तो आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बट फिर भी अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा तो आप 360 480 रेजोल्यूशन पे करके देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पे। सो आपको जो भी वीडियो चाहिए होता है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बच्चों से फ़ोटो क्लिक करके लेती हूँ, मैं खुद कर देती हूँ मेरे पास रहता है तो। ठीक है, सो ये कोई ऐप नहीं है कहीं से, ये कोई ऐप नहीं, ना ही कहीं से आंसर मिलता है, आपके डाइजेस्ट का ही फ़ोटो क्लिक करके लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप बार बार बोलते हो कहाँ से आपको ऐप मिला, कहाँ से ये आंसर मिलता है, तो ये आपके बुक का ही रहता है, डाइजेस्ट का ही रहता है। ठीक है, कहीं से कोई ऐप नहीं है ये, तो परेशान मत होइए कि ढूंढिए नहीं, जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताते जाइए, मिल जाएगा आपको।